इन दिनों बिहार में मॉनसून बेहद कमज़ोर हो गया है। आलम यह है कि मॉनसून के सीजन में 18 जुलाई को दक्षिण बिहार के किसी भी जिले में बारिश की कोई स्थिति नहीं रही, मौसम बिल्कुल शुष्क रहा। इसके साथ ही वातावरण में आर्द्रता अधिक हो गई है, इस वजह से उमस वाली गर्मी लोगों को असहज कर रही है। आसमान बिल्कुल साफ है, नीला दिखाई पड़ रहा है, इस वजह से धूप भी देखने को मिल रही है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि यह मौसम लोगों को बेहद परेशान करने वाली है, ऐसे में लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही समय समय पर पानी पीते रहने की सलाह दी जाती है। आने वाले 22 जुलाई तक बारिश की कोई संभावना बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 23 जुलाई से मॉनसून एक बार फिर से सक्रिय होगा, तब तक सावधान रहें, सचेत रहें। पिछले 24 घंटों के दौरान मॉनसून की सक्रियता बेहद कमज़ोर रही है। राज्य के उत्तर भागों के क्षेत्रों में एक दो जगहों पर हल्की वर्षा, जबकि दक्षिण के भागों में मौसम शुष्क एवं गर्म रही है। फिलहाल अभी जो स्थिति है बिहार में, मौसम की स्थिति कमज़ोर बनी हुई है। ज़्यादातर भागों पर बादल कम होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान और ऊपर से आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण अपने आप में मौसम बेहद असहज करने वाला होता है। ऐसी स्थिति में सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उमस ज़्यादा है, आर्द्रता की मात्रा 60 से 70% के करीब पहुँच रहा है। अगर आप कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हो, अर्थात मेहनत का काम कर रहे हो, पसीना बहुत बह रहा है, तो पानी का सेवन समय समय पर करते रहिए, ताकि आप निर्जलीकरण न हो और आपका शरीर अस्वस्थ न हो। अपना ध्यान रखिए, मॉनसून का सीजन चल रहा है, इस दौरान कहां पर वर्षा होने की संभावना रहेगी, इसकी बात करते हैं। अभी फिलहाल मॉनसून कमज़ोर है, न्यूमेरिकल मॉडल देखने पर लगता है 23 जुलाई से राज्य के तमाम इलाकों में वर्षा का पूर्वानुमान है। घने बादल धीरे धीरे इस क्षेत्र में पहुंचने का पूर्वानुमान है। पटना से लोकल एटिंग के लिए सचदानंद की ये रिपोर्ट।